दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया में। आज हम आपके समक्ष लाए हैं खेल से संबंधित एक और वीडियो, खेल के आयोजन वर्ष और स्थलों के बारे में। आगामी गेम्स कहाँ होते हैं, इस संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सामान्यतः खेल के आयोजन वर्ष और उनके आयोजन स्थल से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PSC, UPPCS, RAS, शिक्षक, SSC, बैंक या अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओलंपिक खेल, साथ ही साथ एशियाई खेलों के बारे में, राष्ट्रमंडल खेल, फुटबॉल, राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट, हॉकी और अन्य प्रतियोगिताएं कब और कहां आयोजित की जाने वाली हैं या हुई हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेल की। तो 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, यह था ब्राजील में 2016 में। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा टोक्यो जापान में, चूंकि यह आयोजन किया जाना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। अब यह आयोजन 2021 में होगा। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में 2024 में। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में होगा। दोस्तों पहला ओलंपिक खेल खेला गया था एथेंस ग्रीस 1896 में। अभी चूंकि 33वां ओलंपिक खेल 2024 में फ्रांस पेरिस में होना है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि द्वितीय और आठवें खेल भी पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे, जो कि 1900 और 1924 में आयोजित हुए थे। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 23 में थे, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में 2018 में खेले गए थे। शीतकालीन ओलंपिक खेल 24 में बीजिंग चीन 2022 में होंगे। पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल सेमानिक्स फ्रांस 1924 में खेले गए थे। शीतकालीन ओलंपिक खेल अधिकांशतः बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की स्पर्धा होती है। विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं इसमें होती हैं, जैसे कि अल्पाइन स्कीइंग, बायथलॉन, बॉबस्लेड, क्रॉस एंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, कार्लिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, आइस हॉकी, ल्यूज, नार्डिक कंबाइंड। अब आते हैं हम राष्ट्रमंडल खेलों पर। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में आयोजित किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल खेल वर्किंगहम इंग्लैंड में 2022 में खेले जाएंगे। पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया हैमिल्टन शहर ओंटेरियो कनाडा में 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों की तीन मूल मान्यताएं हैं, मानवता, समानता और नियति। हर चार वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका आयोजन नहीं किया गया था। आइए अब हम आपको बता देते हैं एशियाई खेल कब और कहाँ होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। 18वें एशियाई खेल खेले गए जकार्ता पालेमबांग इंडोनेशिया में 2018 में। 19वां एशियाई खेल खेला जाना है हांगझू चीन 2022 में। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2026 में खेला जाएगा। पहले एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में 1951 में खेले गए थे। हर चार वर्ष में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है और एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल के बारे में चर्चा करते हैं। फीफा विश्व कप 21वां खेला गया 2018 में रूस में। 22वां फीफा विश्व कप खेला जाना है 2022 में कतर में। 23वां फीफा विश्व कप अमेरिका, मेक्सिको और
कनाडा में खेला जाएगा 2026 में। पहला फीफा विश्व कप खेला गया 1930 में उरुग्वे में। फीफा महिला विश्व कप 8वां खेला गया फ्रांस 2019 में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप खेला गया फ्रांस में 2018 में। अब हम करेंगे चर्चा हॉकी की आने वाली प्रतियोगिताओं पर। पुरुष हॉकी विश्व कप 14वां भारत में खेला गया 2018 में भुवनेश्वर में। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर भारत में खेला जाएगा 2023 में। पहला पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया था बार्सिलोना स्पेन में 1971 में। प्रतियोगिता 4 वर्षों के अंतराल से आयोजित की जाती है। सबसे ज्यादा बार विश्व कप पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। 14वां महिला हॉकी विश्व कप 2018 में इंग्लैंड में खेला गया। क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 12वां खेला गया 2019 में इंग्लैंड में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 13वां खेला जाना है 2023 में भारत में। 14वां आईसीसी विश्व कप दक्षिण कोरिया 2027 में खेला जाएगा। प्रथम विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में 2017 में खेली गई। द्वितीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत 2021 में। क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 8वीं इंग्लैंड में 2017 में खेली गई। 9वीं चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत में खेली जाएगी। एक दिवसीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2017 में इंग्लैंड में खेला गया। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 में न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में जानकारी आपको देना चाहेंगे तो 36वें राष्ट्रीय खेल कोबा भारत में 2018 में होने थे, उसके बाद 2020 में, लेकिन इन्हें अब स्थगित कर दिया गया है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। और आगे की तारीख और का निर्णय बाद में किया जाएगा। इन खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। अन्य प्रतियोगिताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो एशियन पैरा गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में खेले गए 2018 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोहा कतर में 2019 में खेली गई। 13वें दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू नेपाल में 2019 में खेले गए। जो हमने आपको जानकारी दी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देख लें। साथ ही साथ एक प्रश्न है आपके लिए, भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी का विश्व कप जीता है? भारत ने कितनी बार अब तक हॉकी का विश्व कप जीता है? आप हमें कमेंट करके इसका जवाब दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हम एक नया वीडियो लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे।